कुत्ता जो जंगल में करेगा खूंखार बाघिन का शिकार। अठारह महीने बाद आदमखोर बाघिन को घेरने आए इटालियन कुत्ते। एलसेशन या लैब्राडोर वो शेर की वो सुनेगा तो वो वहां से भाग जाए। इन कुत्तों में वो बात नहीं। यवतमाल के घने जंगल में बाघिन को तलाश रही है चार आंखें। ये पलटता नहीं है वापस, डरता नहीं। ये वो कुत्ता है जो दुनिया में सबसे तेज सूंघता है। स्मेलिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूर से स्मेल करके बता देती है जानवर है कि नहीं है। ये कुत्ता इंसान को नहीं काटता लेकिन बाघ को छोड़ता नहीं। कुत्ते में वो सलाहियत और वो कैपेसिटी है जो वो सुन सकता है 30-35 मीटर से। बाघिन की तलाश में हाथी हारा तो अब कुत्ते का सहारा। कुत्ता खूंखार करेगा बाघिन का शिकार। बाघिन की मौत आती है तो कुत्ता आता है। नमस्कार, क्या आपने कभी सुना है कुत्ते ने बाघ का शिकार कर लिया हो? है ना हैरान करने वाली बात। लेकिन महाराष्ट्र के यवतमाल में इस हैरानी को हकीकत बनाने की तैयारी चल रही है। पिछले 18 महीनों से जिस बाघिन की तलाश में 200 से ज्यादा शिकारी और वन विभाग के कर्मचारी लगे थे और इन्हीं में से एक है हैदराबाद के मशहूर शिकारी नवाब खान, और उनके साथ शिकार का जिम्मा दो कुत्तों को सौंपा गया है। जिस बाघिन को खोजने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं उसे अब काने कोरसो नस्ल के दो शिकारी कुत्ते पूरा करेंगे। बेगुनाहों के लिए मौत बनकर घूम रही इस बाघिन को कुत्ता कैसे पकड़ लेगा, इसी खबर पर है हमारी आज की खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी कुत्ते जो देश में पहली बार बाघिन के शिकार के लिए लाए गए। इनका वजन 45 से 50 किलो है लेकिन 150 किलो की बाघिन को दबोचने के लिए लगाए गए हैं। इनका कद सिर्फ 25 इंच है लेकिन 40 इंच की आदमखोर बाघिन के लिए ये तैनात किए गए हैं। केन कोर्सो नस्ल के खूंखार कुत्ते जिनका मकसद है बाघिन के खूनी पंजों पर काबू करना। ₹160 किलोमीटर के इलाके में इंसानी खून की प्यासी बाघिन का शिकार करने के लिए दिल्ली से कार्लोस और बस्टर को लाया गया। मशहूर गोल्फर ज्योति रंधावा इटालियन ब्रीड के कुत्तों को लेकर यवतमाल के जंगलों की खाक छान रहे हैं। स्मेलिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूर से स्मेल करके बता देती है जानवर है कि नहीं है, और इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है यूरोप में फॉर हंटिंग पर्पसेस। तो इसको हम टाइगर का यूरिन इसको स्मेल करा के इसको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्वेंटेंस करना चाहते हैं। ज्योति रंधावा के इशारे पर ये कुत्ते कार में सवार हो रहे हैं। हैदराबाद के मशहूर शिकारी नवाब खान ने मदद के लिए अपने दोस्त ज्योति रंधावा को बुलाया है जो इन दो खोजी कुत्तों के साथ जंगल में शिकार की तलाश में निकल रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि ये पलटता नहीं है वापस, डरता नहीं है, और वो भी सूंघता है, और जब हम इसको लेके आगे चले तो वो थोड़ी दूर से ही हमको इंडिकेट कर देगा कि टाइगर कहाँ है। तो उस वक्त हम लोग तैयारी कर ले सकते हैं उसको घेरने की, मचान बनाने की, सब चीज की, क्योंकि मौसम इतना गलत हो गया है, बारिशें होने के बाद इतना घना हो गया है कि हमको नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आने की वजह से सिवाय कुत्ते के हम और कोई साधन यूज नहीं कर सकते। 30-35 मीटर की दूरी से ही ये कुत्ते बाघिन की मौजूदगी बता देंगे जिसके बाद बाघिन को बेहोश करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। कुत्ते सूंघने में माहिर होते हैं, फिर केन कोर्सो नस्ल के कुत्तों में ऐसी क्या खूबी है? ये सवाल हमने कुत्तों के मालिक ज्योति रंधावा और शार्प शूटर नवाब खान से पूछा।
कुत्ते में वो सलाहियत और वो कैपेसिटी है जो बो सुन सकता है 30-35 मीटर से। दिन में तो टाइगर सोते रहता है, तो दूर से कुत्ता अगर हमको इंडिकेट कर दे 30-35 मीटर से, तो वहाँ हम उसको घेरने का प्लान कर सकते हैं, डॉक्टरों को हमारे आगे भेज सकते हैं, जहाँ जहाँ उसके निकलने का रास्ते हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं। जब ये बात करेंगे या उसको एक्साइट करेंगे तो वो बाहर आएगा, तो उससे ट्रैंकुलाइज करके उसको रिलोकेट करने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो बाघिन 18 महीने से कब्जे में नहीं आ सकी, उसे क्या दो कुत्ते सिर्फ दौड़कर पकड़ लेंगे? और अगर कुत्ते बाघिन की निशानदेही करेंगे, फिर आगे क्या होगा? इन सवालों का जवाब जमीन से हवा में उड़ान भर रही इस खास मशीन में है। पैराग्लाइडर की तरह हवा में उड़ रही ये है हैंग ग्लाइडर, जो 40-45 मीटर ऊंचाई पर जाकर बाघिन की तलाश करेगी। इससे हवा में बाघिन को घेरना और बंदूक से डार्ट मारना आसान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बाघिन को जिंदा पकड़ने का मिशन शुरू किया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि टाइगर लोकेट होने के बाद ट्रैंक्यूलाइज करने का पहला कानून हमारा ये है कि पानी वगैरह करीब में नहीं होना चाहिए। तो ऊपर से हम एरियल सर्वे से देख ले सकते हैं पानी कहाँ है, गाँव कहाँ है। पिछले महीने खास तौर पर मध्य प्रदेश से 4 हाथी बाघिन को खोजने के लिए बुलाए गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो अब केन कोर्सो नस्ल के कुत्तों को लाया गया। केन का मतलब है कुत्ता और लैटिन भाषा में कोर्सो मतलब सुरक्षा करने वाला। लेकिन कदकाठी में छोटे दिख रहे ये कुत्ते जंगल की आदमखोर बाघिन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, और जब उसका बाघिन से सामना होगा तो क्या होगा? ये सवाल हमने कुत्ते के साथ मिशन पर निकले शिकारी से ही पूछ लिया। तो ये पलट के जैसा ऑर्डिनरी कुत्ता आपका जो होता है एल्सेशन या लैब्राडोर, वो शेर की बो सुनेगा तो वो वहां से भाग जाएगा। इन कुत्तों में वो बात नहीं रहती। ये बाय नेचर, बाय बर्थ, इसकी ब्रीड ऐसी बनाई गई है कि ये जो है उसको देखे और उसके पास जाए, उसको फेस कर सके। जैसे आपको एक शिकारी को इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे कामों के लिए, वैसे ये खास किस्म के कुत्ते भी हैं जिन्हें इस्तेमाल करना पड़ता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे खतरनाक कुत्तों का निवाला क्या होता होगा, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वही सब खाते हैं जो हम और आप खाते हैं। इसको जो हम खाते हैं रोज, हमारा ही खाना वो खा लेते हैं। अब यहाँ तो ये इडली डोसे खा रहे हैं और बड़े खुश हैं सेहत से। यानी चरित्र से शाकाहारी कुत्ते चाल से मांसाहारी होते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं काटते। इसीलिए विदेशों में इन्हें पहले सिर्फ घर की रखवाली के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन खूंखार स्वभाव की वजह से यूरोप में अब ये शिकार के लिए भी मशहूर हो गए। वह हंटिंग डॉग है, एक वर्किंग डॉग है। जिस तरीके से पिटबुल हो, बीगल हो एंड डोबरमैन हो, उस तरीके का डॉग है वो इटली से है वो डॉग। वहाँ का ब्रीड रोमन एम्पायर की से चली आ रही है वो डॉग ब्रीड। आदमखोर बाघिन के साथ उसके दो शावक भी हैं। ये बाघिन को पकड़ने का तीसरा मिशन है। अब तक दो मिशन नाकामयाब रहे, लेकिन इस बार दो कुत्तों के भरोसे 200 शिकारी और वन विभाग के कर्मचारी जंगल में डेरा डाले हैं। लेकिन सवाल ये, आखिर एक बाघिन कैसे 1.5 साल से सब कुछ हका रही है, जिसे पकड़ने के लिए इटालियन कुत्ते बुलाने की नौबत आई। जो नेचुरल तरीके से टाइगर जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जंगल होता है, वहाँ पे बड़े ट्रीज होते हैं, उनमें मचान बांधे जा सकते हैं, और गांव वगैरह आसपास में नहीं रहते हैं जैसे अपने संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनमें ऐसा होता है। पर ये एरिया जो है इसमें एक तो आसपास में गांव है, करीब 18-20 गांव हैं, और दूसरी बात है कि बड़े ट्रीज ऐसे नहीं हैं जिसमें छुप करके मचान बांधा जा सके, क्योंकि यहाँ पे गाँव वालों की इतनी पॉपुलेशन है, उसमें फिर उनके पालतू जानवर भी घूम रहे हैं और चराई के लिए भी इधर उधर जाते हैं, तो टाइगर्स को इजी प्रे मिल जाता है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर के इधर आ गए हैं, ऐसा हमारा अंदाजा है। एक तरफ कुत्ते जंगल में आदमखोर बाघिन के पंजों के निशान खोज रहे हैं, दूसरी तरफ मुंबई में पशु प्रेमी विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट हो रहे हैं। इनकी मांग है बाघिन को ना मारा जाए। डेढ़ साल से आतंक बन चुकी बाघिन को पहले जिंदा पकड़ने के प्रयास करने के ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इंसानी बस्ती में बाघ के आतंक से सभी दहशत में हैं। शायद अब प्रशासन को ये समझ में आया कि ये बाघों की बस्ती में घुसपैठ का नतीजा नहीं, बल्कि बाघों के इलाके में इंसानी दखल की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। यवतमाल से सरिता कौशिक के साथ सारंग पांडे की रिपोर्ट।
तो आप देख रहे हैं किस तरह से दो खास नस्ल के कुत्ते, सबसे खूंखार इटालियन ब्रीड काने कोर्सो, और इन्हें लाया गया है बाघिन का शिकार करने के लिए। वो बाघिन जो इंसानी खून की प्यासी है, वो बाघिन जिसे पकड़ने के लिए कई जतन किए गए पर कुछ हो नहीं पाया, और अब उस बाघिन का शिकार करेंगे ये दो दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।